भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियमित अंतराल पर बैठकें होती हैं, जिसका उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास को गति और बल प्रदान करना है। आइए एक नज़र डालते हैं जून 2024 के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण कैबिनेट फैसलों पर। पात्र निर्धन परिवारों के लिए आवास की बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अतिरिक्त 3 करोड़ ग्रामीण और शहरी घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया। इस योजना के तहत 2015-16 से अब तक 4.21 करोड़ घरों का निर्माण किया जा चुका है, जिनमें घरेलू शौचालय, LPG, बिजली कनेक्शन और नल से पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024-25 से 2028-29 की अवधि के लिए 2,250 करोड़ रुपए से अधिक के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ राष्ट्रीय फॉरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। प्रशिक्षित फॉरेंसिक पेशेवर की कमी को दूर करने के लिए देश में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के अतिरिक्त ऑफ कैंपस और नई दिल्ली केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। कैबिनेट ने दिल्ली के केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला परिसर में मौजूदा बुनियादी ढांचे को विकसित करने की भी मंजूरी दी है। देश के मजबूती की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को हरित हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने को मंजूरी दी है। 2,800 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाले इस विकास कार्य में नए टर्मिनल भवन, एप्रन विस्तार, रनवे विस्तार, समानांतर टैक्सी ट्रैक और अन्य संबद्ध कार्य शामिल होंगे। इससे हवाई अड्डे की क्षमता वर्तमान 39 लाख से बढ़कर 99 लाख यात्री प्रतिवर्ष हो जाएगी। नया टर्मिनल शहर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेगा और इसका उद्देश्य पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ बनना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP बढ़ाने का फैसला किया। पिछले वर्ष की तुलना में MSP में सर्वाधिक वृद्धि की अनुशंसा तिलहन और दलहन के लिए की गई, जिसमें सूरजमुखी के बीज के लिए 983 रुपए प्रति क्विंटल, तिल के लिए 632 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर के लिए 550 रुपए प्रति क्विंटल की MSP में वृद्धि की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए ये निर्णय आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में केंद्र सरकार के प्रयासों और प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।